ठीक है,
किसने करिए पक्का दिमाग लगा के करिए ना, वो तो मैं
चेक कर लूंगी, मुझे ये बता दे तूने करी है, मम्मी ने करवाई है, पापा ने करवाई है, बता दे बस साफ साफ। तो मैंने समझा के भेजा था। हाँ 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 क्वेश्चन आंसर ठीक है ठीक है। हाँ ये सारे मैंने तो बनाए हैं।
उसके बाद फोर्थ नहीं पढ़ा है, फोर्थ नहीं पढ़ा है, नर्वस सिस्टम। तो पहले मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड का मुझे टेस्ट दे के था, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ नहीं जो मैं बताया उसका टेस्ट दे दिया एक यहाँ तक से तक सारी दिखा करके दिखा, फर्स्ट चैप्टर के बी पार्ट के सारे करके दिखा, पहले ये करके दिखा। आ जाओ भाई मैंने तुझे करना है फिफ्थ बी के सारे करके लिखा फर्स्ट चैप्टर। कितने बताएंगे भाई? ये लड़की दिमाग लगा के करके आई है। कौन सी क्लास में तू कौन सी क्लास में है? दिख रहा है डिफरेंस दोनों में? हाँ ये फर्स्ट में, मैं जब भी टेस्ट दूंगी ना ये बेटर करती है अकॉर्डिंगली, और दोनों को देती मैं सीख ली हूँ। सेम थिंग कराओ तेरी इस लड़की से। BOE = BO BOE + 70 degree
ओ डी प्लस 70 डिग्री और बी ओ डी कितना है? बी ओ 71 माइनस के 40, तो सी ओ ई, सी ओ ई फाइंड आउट करना, फिर प्लस करना किसको? एंगल बी ओ ई को, है ना? प्लस ए ओ सी, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, बी ओ ई प्लस बी ओ डी, बी ओ सी कर दो, सी ओ ई प्लस 30 डिग्री बी ओ ई प्लस ए ओ सी 70 डिग्री, फिर बी ओ ई कितना है हमारा? ये कितने हो गए? बदल जाके माइनस हो गया ना, सी ओ ई हमारे पास कितना आ गया? तो सी ओ ई निकल गया ना हमारा, टैक्स कर रहे बी ओ ई को, तो बी ओ ई निकालना है, तो बी ओ ई प्लस सी ओ ई, बी ओ ई हमारा 30 है, 20 है, कितना हो गया सी ओ ई? Yeah.
पापा से 2 महीने में तो बताती हूँ। करके दिखाएगा तो ये भाई दिक्कत हो रही तुम दोनों को।
काटने में ना जरा अपने ध्यान लगा लो, ये तो डंडों से तोड़ूंगी सबन को। कल इसकी हालत खराब कर दी थी मैंने, उससे पूछ कुछ नहीं करा मैंने, कैमरा आ रहा था दिखा दूंगी कैमरे में, इसकी मुंह फूट रहा है पूरा रो रो के। Side.
लेकिन ज्यादातर अब डिफ्रैक्ट हो रहा था साइड में से पानी, राइट। तो मोर प्रॉब्लम अराउज, ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक, इनका हैंड पंप स्टार्ट हो गया, ब्लॉक हो गया होना, ठीक है, स्टार्ट हो गया ब्लॉक होना। अब विद द डेब्रिज मलबा भरने लग गया उसमें, डेब्रिज इज कॉल्ड द मलबा, फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, फिर उनके कैबिन भी बहने लग गए चारों तरफ, मलबा बहने लग गया। फिर एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक पंप है वो शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो गया। द वाटर लेवल रॉज बढ़ने लग गया फ्लीटिंगली, अब उनको ज़्यादा नुकसान होने शुरू हो गया। तो बैक ऑन द डैक, डैक के पीछे आई फाउंड दैट आवर टू स्पेयर हैंड पंप, इसलिए दो स्पेयर हैंड पंप देखे, हैड बीन रेच ओवर बोर्ड, वो बोर्ड के ऊपर रेच वे वो हो गए थे डैक का। तो अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट्री सेल, फॉरेस्ट्री सेल के साथ द जीप द डिगीज एंड मेन एंकर, ये सारी चीज़ें उधर रखी हुई थी, ये सारी चीज़ें वो हो गई थी। हाँ, देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप, इसको याद है कि हमारे पास दूसरे भी इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, चार्ट रूम फ्लोर के नीचे। तो आई कनेक्टेड इट टू एंड आउट पाइप, उसने कनेक्ट किससे कर लिया उसको, आउट पाइप से, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और वो ये थैंकफुल थे वो उनको मिल गया और वो काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग ऑन द एंडलेस, उस दिन जो उनकी नाइट थी ना वो ऐसी थी कि वो ख़त्म ही नहीं हुई थी, बिटरली कोल्ड रूटीन और काफ़ी ठंड थी, ठीक है। और पंपिंग स्टीरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, अब रेडियो तो काम करते ही हैं उस टाइम। वी वी आर गेटिंग नो रिप्लाई टू आवर मे डे कॉल्स, पी एम की जो उनकी कॉल्स नहीं आती है वहाँ से, उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट, ये सरप्राइजिंग नहीं थे रिमोट को लेके कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड कि ये हम लोग कहाँ पे हैं, क्योंकि इनके साथ पहले एक्सपीरियंस नहीं है, पहले भी ये सेलिंग का काम करती है। तो शी इज हैड स्वॉलन अलार्मिंग, उसका सर सूज गया, सूज इसका जो हैड वो सूज गया, शी हैड टू इनॉर्मस ब्लॉक ब्लैक आई, उसकी दो बड़ी बड़ी आंखों की, एंड नाउ शी शोज डीप कट ऑन हर आर्म, उसके आर्म पे बहुत बड़ा। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरी, तो मैंने उससे पूछा कि उसको और कौन क्यों नहीं लगी बिफोर दिस, इससे पहले। तो शी रिप्लाइड यू वांट टू वरी यू, मैं तो हार के परेशान, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू, मैं परेशान करती हूँ, यू वेयर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम हम सबको बचा क्योंकि मैं ऐसे चैप्टर समझा दूंगी, समरीज खुद लिखोगे, आंसर्स खुद फाइंड आउट करके करोगे, तुम कोई दो दिन के बच्चे नहीं हो, और जो वो बच्चे नहीं बड़े बड़े मेरे पास आते हैं क्लास में, उनको मैं चैप्टर समझा दूंगी, क्वेश्चन बोलते हैं प्रॉपर ध्यान से, उनसे बोलते हैं चाहे हिंदी में बोलते हैं, मतलब उनको रिमाइंड है चैप्टर।
चीज चाबी घुमाया दिया, लेकिन जब तुम चैप्टर नहीं समझोगे उनका ध्यान होता है चैप्टर में, इसलिए वो फटाफट से हिंदी में बोल देते हैं कि ये स्टोरी में से हुआ था ऐसे आंसर। तो इसीलिए मेरे को यही करना है ना।
पौने दो बजे तक हो गए हैं, फिर मैंने अपना ढोसा काम करना था, 3 बजे इतने में पी क्यू आर ठीक है और पी आर क्यू, पी क्यू आर और पी आर क्यू, पी क्यू आर पी एस के बराबर है, पी आर क्यू पी आर टी के बराबर है, तो हैंड्स ग्रुप पी क्यू एस बराबर किसके है, एंगल पी आर हैंड्स ग्रुप हो गया हैंड्स ग्रुप। उधर भी गया रही तो पता मैं कितना भी मोड़ लूँ ना होता ही है ऐसा, सी सामने वीडियो बनेगी अलग से दिखेगा नीचे आएगा पी ओ क्यू इज अ लाइन ये ना, देन क्यू देन ए ओ बी इज अ लाइन, प्रूव करना है कि ए ओ बी की लाइन है, x plus y is equal to x plus y is equal to y plus w plus z, इसी की तरफ move करना है इसको, जो ये line segment है ना a o b, इसको prove करना है इनके accordingly, prove करने वाले तो बहुत आसान होते हैं, try to do yourself, कर लो कितने आप, वो फल किसने बनना है ना, बन जाएगी W किस पे है, B O यानी बराबर में आना चाहिए, Z A O बराबर है तो
सम इक्वल क्योंकि चार एंगल्स कर रहे हैं तो चार एंगल्स का कितने ऑल एंगल्स आर सम इक्वल्स टू ये भाई सेकंड वो इधर लेकर कर लिया तूने पूरा ले रहा होगी सारे अभी तक करी तूने मॉम कब रहता है कैमरे में नहीं आएगा सेकंड चैप्टर के बी क्वेश्चन कर देंगे सारे एक दो तीन चार लगा तो दिया पी पे तेरा हो गया भाई कितना हुआ भाई इंस्ट्रक्टर हाँ मम्मी हाँ बोला था ना मैंने इधर काम भी मैंने बोला था ना फिफ्टी पीटर से देख रहे फिफ्टी क्या है यहाँ पे एल तूने कहाँ लगाया यहाँ पे एल सिक्सटी ये अबे यार इसको सही कर गलत है ये L X first सी के ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है ये भी ठीक है eight seven में ये मैं six नहीं लिखा ये मैं six खा गई लिखने का था ये भी और ये क्या इट द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड क्या वाइज मैन को क्या वाइज मैन रिवॉर्ड जीत गया इफ नॉट यदि नहीं व्हाई नॉट क्यों नहीं
ट्राई टू डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चंस बिकॉज जब तक तुम खुद नहीं करोगे ना नहीं वाले नहीं ग्रेड वाला मैंने पढ़ा दिया नेक्स्ट चैप्टर By morning on January 3, 3 January को क्या हुआ morning में the pump had water level sufficiently under control. तब इतना भर गया कि ऊपर तो नहीं हुआ. First day to Mars, उनको दो घंटे लग गए rest in rotation. Rotation में वो बैठे हुए थे but we still had a tremendous sleep somewhere below the water line. लेकिन ये डर रहे थे, करे हुए थे कि कहीं से नीट हो चुका था पानी. And on checking, वो checking पे ना कि कहाँ से लीक हुआ है, I found that nearly all the boat, इन्होंने सब जगह देख लिया boat पे, mantlet frame का वेयर smashed down, वो टूट चुका है, ठीक है, to the nail से, कोने से, in fact there was nothing holding us, वहाँ पे कुछ नहीं था पकड़ने के लिए, whole section of the starboard, जो पूरा section था starboard का full except a few cardboard partition. कुछ ही कपबोर्ड पार्टीशन थी ये सर्वाइव ऑफ 15 आवर्स ये 15 घंटे तक सर्वाइव करते रहे इस चीज सिंस द वेव हिट जब वेव हिट करके गई थी ना उसको तो ये 15 घंटे तक सर्वाइव करते रहे उस चीज को झेलते रहे बट वेव वॉकर वाज नॉट होल्ड टुगेदर वेव वॉकर एक साथ नहीं आए लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के पहुंचने तक आई चेक आवर चार्ट एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वेयर टू स्मॉल आइसबर्ग इन्होंने चेक किया अपना चार्ट एंड कैलकुलेट किया दैट वेयर वर टू स्मॉल आइसलैंड वहां पे दो स्मॉल आइसलैंड थे अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर कुछ ही किलोमीटर पे 100 किलोमीटर पे टू द ईस्ट एक था ईस्ट में वन ऑफ देम और इली एमेन एम्स्टर्डम जो इली एम्स्टर्डम था वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस में था आवर ओनली होप इनकी सिर्फ एक ही होप थी वाज टू रीच दीस पिन प्रिक्स इन वास्ट ओशन आवर ओनली होप इनकी एक ही आशा थी टू रीच वी वे पहुंचे पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन पिन प्रिक्स जो बहुत बड़ा ओशन था ना उसके पिन ब्रिक्स पे मतलब उसके किनारे तक भी पहुंच जाए बहुत बड़ा ओशन था बट अनलेस लेकिन तब तक वाइन हेड्स वाइन एंड सी जो हवा थी और जो सी था अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल पे थे चल रहे थे तब तक
तो आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, इनका चांसेस सचमुच में कम था. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर इलेक्ट्रिकल इंजन आउट ऑफ एक्शन, जो इनका इंजन था ना इंजन वो आउट ऑफ एक्शन था, काम नहीं करता. कोई सेल नहीं देखी थी, कोई और शिप था ही नहीं. Passenger pressure on our rigging would simply pull the damaged section. इनका section थोड़ा damage हो गया था. Of the hull part, the hull part का थोड़ा damage हो गया था. So we hoisted the strong jib and headed for where I thought the two Iceland were. इनको पता थे, याद थे कि वहाँ पे दो Iceland है. Mary found some corner beef. Mary को beef का कुछ corner मिला and cracker biscuit. और क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील. उन्होंने अपना कुछ भी पहला मील खाया था इन ऑलमोस्ट टू डे, दो दो दिन बाद खाना खाया और भी खाया था उन्होंने और बिस्किट. Behind us, within the harbor, the wind was back to 40 knots. So the wind was 40 knots, and the sea were getting higher. Sea काफी ऊंचा था. The weather continued. The weather continued to be tropical. Thought out the night. Continued पूरी रात वो करता रहा. जो इसका weather था वो पूरी रात परेशान करता रहा इनको. And by dawn on January 5, our situation was again desperate. दोबारा उनकी सिचुएशन 5 जनवरी को बिगड़ गई. When I went in to comfort the children, जब ये children के पास गए तो John ने पूछा, डैडी आप ही गोइंग टू डाई, हम मर जाएंगे. आई ट्राई टू श्योर ही, मैं उसको वो कर रहा था, दिला से रहता था, वी कुड मेक इट, हम ट्राई कर रहे हैं. बट डैडी, लेकिन डैडी वी वेंट ऑन, हम तब He went on. वहाँ से चला गया. We are not afraid of dying. हमें मरने से नहीं डरना चाहिए. If we can all be together, हम एक साथ. तो you and mummy, तुम और mummy, you and I, you or me, I could find no words. मैं कोई और नहीं ढूंढ सकता. Which to respond? जो हमें क्या करेंगे? Respond. But I felt the children's cabin when that. वो चिल्ड्रन से कैबिन से बाहर आ गया. लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमाइंड टू फ्लाई द सी विद एवरीथिंग आई हैड टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड. उसने प्रोटेक्ट करने की कोशिश की. जो वीकेंड पोर्शन था ना, वीकेंड कमजोर पोर्शन था उस बोर्ड का, उसको आई डिसाइडेड टू हीट टू विद एन अनमैनेज बोर्ड Hull facing the oncoming wave, using an improvised sea anchor of having nylon rope. But the bow decided to have it have to with the undamaged jo undamaged port tha na, undamaged port tha. Hull facing the oncoming waves, kono se waves tha. Using an improvised sea anchor of heavy nylon, तो वो नायलॉन की हैवी रस्सी को यूज कर रहे थे एंड 22 लीटर ऑफ प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन. दैट इवनिंग, उस इवनिंग क्या हुआ, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड, वो एक साथ हाथ पकड़ के बैठ गए. एज द मोशन ऑफ द शिप, जो शिप की जो वो थी ना गति of the ship,
bought more and more water in through the broken plants. We both felt the end was very near. Yeh mahi pe chhupi is conjugate ki ab pass mein hi mari mom. But wave walker rode out the storm and by morning of January 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the accent back in the chart room. I work on wind speed. You wind speed pe kaam kar rahe the. Changes of cause, drift and current in front of in and front to calculate our position. The best I could determine that was that we were somewhere in 150,000 kilometers. Ye jo 50 kilometers dur the ocean se wo to dikh gaya tha. To 65 kilometer wide Iceland. 65 किलोमीटर चौड़ा आइसलैंड था वो. While I was thinking, shoe moving painfully, जब मैं सोच रहा था तो shoe painfully move कर रहा था. Join me, the left side of her head was now very swollen. तो एक साइड का सिर बहुत ठीक था. And her back end, और उसकी पीछे की तो eyes narrowed to slit. Eyes उसकी बहुत छोटी छोटी हो रही थी. तो शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड. जो उसने वो मुझे कार्ड दिया जो उसने बताया था. ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉप कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स. तो हियर आर सम फनी पीपल. हाँ भी कुछ फनी पीपल थे. डिड दे मेक यू लाफ. जो तुम्हें क्या कर सके हंसा सके. तो आई लाफ अ लॉट एज वेल. ये बहुत हंसा मतलब ये बहुत हंसा. तो इनसाइड was a message. Under the message aaya, oh how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had made it. Matlab hum log kahin to milenge agar yahan pe khatam. I checked and rechecked my calculation. Is the check your recheck if the calculation we had lost our main camp compass. Compass hota na वो बताता है किस डायरेक्शन में जाना है. वो लॉस्ट हो चुका था. व्हेनेवर यूजिंग अ स्पेयर. ये स्पेयर यूज कर रहे थे विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. जो करेक्ट नहीं हो रहा था मैग्नेटिक वेरिएशन से. क्योंकि उसमें सारी चीज़ें होती हैं जो इनको डायरेक्शन दिखाती है. तो आई मेड एन अलायंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. जो इनका जो करंट दिखा रहा था ना वो इंडियन ओशन की तरफ दिखा रहा था. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड बैरी टू स्टे द कोर्स ऑफ 185 डिग्री. तो उसमें दिखा रहा था 185 डिग्री. इफ वी वेयर लकी अगर हम लकी हैं. आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन. तो हम कन्विक्शन करेंगे. कन्विक्शन तो करेंगे दृढ़ देंगे कन्विक्शन. I did not feel. हम फील नहीं करेंगे. ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट द अबाउट 5 PM. इन्होंने एक्सपेक्ट कर लेते कि 5 बजे तक वहाँ पे होंगे. तो देन विद अ हैवी हार्ट मतलब बहुत दुख भरे हार्ट से आई वेंट लो. ये बहुत नीचा फील कर रहे थे. क्लाइम ऑन माई बक एंड अमेजिंगली डज ऑफ. वैन आई वॉक इट वॉज 6 PM. जब ये उठा 6 बजे थे एंड ग्रोइंग डार्क. उस टाइम एकदम अंधेरा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइसलैंड. ये जानते ना कि ये मिस करेंगे आइसलैंड को. एंड विद द सेल सेल में तो वी हैड लेफ्ट. हम छोड़ देंगे. तो वी कुड नॉट गो टू बी बैक इन टू द वेस्टर्नली वाइंड. तो इन्होंने आशा की थी कि ये वापस नहीं जाएंगे वेस्टर्नली वाइंड में. तो एट दैट मोमेंट उस टाइम क्या हुआ जो टोस्ट हैड हाउस का जो टूटा हुआ हैड था टाउसलेट हैड अपीयर बाय माय बंक. उसको फील हो रहा था उसी साथ का. तो कैन आई हैव अ हग. तो उसने कहा मैं तुम्हें हग कर सकती हूँ. तो जॉनसन आस्टॉन ने पूछा तो शू वन राइट बिहाइंड मी. व्हाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ आई आस्क. उसने सुना कि मैं तुम्हें हग क्यों करूँ. Because you are the best daddy. You are the best daddy. You are in the food world.
पूरे वर्ल्ड में एंड द बेस्ट कैप माई सन ने रिप्लाई, उसके बेटे ने रिप्लाई, नॉट टुडे, नहीं आज जॉन, आई एम अफ्रेड, मैं डरा हुआ हूँ, व्हाई यू मस्ट बी, तुम्हें जरूर डरना चाहिए, सेट यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, उसने डर डर की चीज कही, तो यू फाउंड द आइसलैंड, तुमने आइसलैंड ढूंढ ली, व्हाट आई शाउटेड, क्या वो चिल्लाए, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो वहाँ हमारे सामने है, देख रॉस, वो बहुत खुश हुए, एज बिग एज अ बैटल शिप, उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी उस शिप के अंदर, आई रोज ऑन डैम एंड गेज विद अ रिलीफ, उनको काफ़ी रिलीफ हुआ, एज द स्टार का आउटलाइन ऑफ द मिली एमेंट एम्स्टरडैम तक पहुँच गई, इट वॉज ओनली अ ब्लिंक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, वहाँ पे ना वॉल्केनिक रॉक थी, आइसलैंड में होते ना वॉल्केनिक्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, तो विद अ लिटिल वेजिटेशन, छोटा 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 सा वेजिटेशन था, मतलब थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ होती थी, सांस पहुँचे थी, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइसलैंड इन द वी एंड गॉड ऑफ श्योर ऑफ द नाइट, मतलब वो उस किनारे तक थे, नाइट ऑफ द नाइट, द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट ऑफ द आइसलैंड हियर एज दे हेल्प अस एश्योर, और वहाँ पर शिप को जब जाते किसी की हेल्प ले लेंगे उधर उतर के, तो विद द लैंड अंडर माई फीट अगेन, ये वहाँ पे उतर गई दोबारा, तो माई थॉट वेयर फुल ऑफ लैंड हैप्पी, तो चीयरफुल इनके लिए एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस एंड एंड ऑफ मैरी हू स्टे एट द व्हील ऑफ द दोस क्रूशियल आवर, मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 इयर्स ओल्ड गर्ल हू डू नॉट वांट अस टू वरी, वरी होने की वरी अबाउट अ हेड इंजरी जो उसको सिर में लगी, which subsequently took 6 minor operations, उसके 6 छोटे-छोटे operation हुए थे to remove the recurring blood clot between skin and swells, skin or swells, and of 6 year old boy who was not afraid to die, और वो 6 साल का बच्चा था, कितनी दूर दूर से तुम चीजें पूछोगे, मैं क्या वो हूँ, उसको पूछा वो क्या पूछ रही है, what are the necessary conditions for seed to germinate? What is the role of cotyledon in the growth of seed? चैप्टर करने
हमारा तो पहले हमारा मोर है इवन इवन नंबर ऑड इवन नंबर ऑड इवन यार तो माया तो है गुजरात का करना आज तो
मैंने चलाया पंखा